नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको राजा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपके बीच क्लास टेंथ का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो दमदार क्वेश्चन है सर। जी हाँ, जो आप सुने हैं वो सही बात सुने सर, दमदार क्वेश्चन जो इस बार 2025 में, हाँ सर 2025 में फिक्स है, फिक्स ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, फिक्स है। तो क्वेश्चन क्या है सो समझिए, क्वेश्चन है 2.47 को पी बटा क्यू के रूप में बदलना है सर। क्या करना है सर, तो पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2.47 पर रेकरिंग है सर। क्या है रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब समझते होंगे, यदि ना समझते हैं तो सर हम समझाएंगे आपको। उसके बाद क्या करना है, पी वटा क्यू के रूप में बदलिए, पी वटा क्यू के रूप में बदलिए। सर आप एक, सर एक बात बोले, आपको माइंड में ना एक पक्का क्वेश्चन अभी चल रहा होगा, हम बोल दें क्या है ये बात, पक्का बोल देंगे सर। बोले आप सोचते होंगे सर राजा सर का स्टूडेंट पढ़ा रहा है, मगर राजा सर कहाँ है, सही बात बोले ना सर। तो आप समझ लीजिए सर, इससे पीछे वाला क्लास में क्लास टेंथ का फरहान अख्तर ने आपको इस बात पर कुछ अध्ययन किया होगा, तो जान ही लीजिए राजा सर को क्या हुआ है। तो 7 तारीख को नौ बजे के आसपास वो महुआ एक सिटी है वहाँ पर, मतलब वो बुआ के इधर से दावत आया था सर। तो दावत में गए ना, तो दावत में गए, भोज उज खाए, फिर रिटर्न हो गए वहाँ से, मतलब रिटर्न आ रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता आ गया था सामने से, उससे सर को एक्सीडेंट हो गया, तो पैर में थोड़ा सा चोट है। ठीक है दोस्तों, तो उससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं हुआ सर को कुछ, वो ठीक हो जाएंगे। वो बोले हैं 30 से 1 तारीख के आसपास में वो आपको क्लास लेंगे ऑनलाइन। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है से समझिएगा ध्यान से सर। क्वेश्चन है 2.47 को पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर, दशमलव एवं रेकरिंग को देखकर घबराइएगा नहीं सर, नहीं पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मतलब पहले समझिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब, रेकरिंग का मतलब क्या होता है सर से समझिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या, पहले से समझिए 2 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 4.7 पर रेकरिंग है, ध्यान से देखिएगा, 4 है 7 है इस पर रेकरिंग है। रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब सिंपल लफ्ज में कहना चाहे तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, यदि ये 4.7 है ना, ये लगातार आने वाला अंक है, लगातार लगातार आएगा अनंत तक, मतलब समझते हैं ना, अनंत अनंत तक आने वाला ये अंक है दोस्तों। रेकरिंग का मतलब आप इससे समझ सकते हैं। यदि आप नहीं समझे, यदि आप रेकरिंग का मतलब नहीं समझे तो फिर से समझिए दोस्त, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 4.7 पर रेकरिंग है ना, रेकरिंग रेकरिंग है, 4.7 पर रेकरिंग है। यदि आप अगल बगल में देखे होंगे और उस पड़ोस में, मतलब घर के अगल बगल में, ओकरा दूरा पर ना कुत्ता रहता होगा, पता है कहला, आपके दूरा पर ना रहता होगा, कहला ना रहता होगा से ध्यान दीजिएगा। यदि कुत्ता ना, मान लीजिए कुत्ता जो है, कुत्ता ओकरा दूरा पर गया होगा सबसे पहला बार, तो मतलब घर के जो व्यक्ति होते हैं वो रोटी उटी मतलब खिला देते हैं। एकदम सिंपल लफ्ज में समझिएगा, इस बात में कुछ छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ खिला देंगे ना, तो जो कुतवा जो है, कुतवा वो कल है, यदि आप आज 8 बजे ना कुत्ता को खिलाए रोटी, ठीक है, और वो कल है आपके दूरा पर 7:30 बजे रहेगा, पता है किस लिए, क्योंकि वह फिर सोचेगा हमको एक रोटी मिल जाए खाने के लिए, कहला। तब यह बात समझ लीजिए यहाँ, जितना रेकरिंग है ना उतना 4.7, मतलब ना समझे, ये मतलब रेकरिंग है तो लगातार आएगा, कुत्ता आया है तो कल भी आएगा, परसों भी आएगा, तरसों भी आएगा, इसलिए आपके दूरा पर कुतवा ना जाता होगा, बगल के पड़ोसी में, बगल के पड़ोसी के घर जाता होगा, क्या कि आप रोटी खाने के लिए नहीं देते होंगे, सीधा सीधी समझिए हमारा से, सही बात है कि ना दोस्तों। इसलिए मतलब जानवर है खिला देना है, पालतू जानवर है, इससे कुछ बड़ा थी मतलब कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो आप समझिए होंगे रेकरिंग का मतलब, पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और मजा आएगा आगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है से समझिएगा, एकदम फिर से एकदम ध्यान से। दो है, दशमलव है, चार सात पर रेकरिंग है दोस्तों, चार सात पर रेकरिंग है, और मेन बात यही है पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो आप सोचिएगा पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में मतलब ये क्या? तो पी बटा क्यू के रूप में सजाना है। तो कैसे सजेगा वही तो आपको समझाना है मुझे, तो आइए समझाते हैं। आप बोलिएगा पी ए बटा क्यू के रूप में हम काला समझाएंगे क्या, एक्स बटा वाई के रूप में भी तो समझा सकते हैं। जी सर समझा सकते हैं, हम तो समझाने के लिए पी बटा क्यू लिए हैं, समझाने के लिए। आप वाई बटा जेड के रूप में समझा सकते हैं, आप ए बटा वाई के रूप में समझा सकते हैं, आप ए बटा एम के रूप में समझा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो आप क्या समझे, रेकरिंग के बारे में समझे सर, पी बटा क्यू के रूप में बारे में, पी बटा क्यू के रूप के बारे में समझे। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं सर जी, एकदम ध्यान से समझिएगा, मजा तो आता ही होगा, हमको पता है ये बात, खूब मजा आता होगा अभी आपको समझने में, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं सर, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। केमिस्ट्री या फिजिक्स का ना समझ में आता है लड़का के, काहे कि उसमें प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता है, और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल किया जाता है, इसलिए बच्चा को मैथ और बायोलॉजी पढ़ने में इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको भी जरूर आता होगा। ये ना कहते से फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको बायोलॉजी में आता होगा सर, ये सही बात है ना सर, ये सही बात है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, बड़ा मज़ेदार से माइंड को एकदम फ्रेश कीजिए, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, आराम से समझिएगा, मजा आएगा समझने में। देखिए सर, तो आइए सोल्यूशन करते हैं सर, लिखिए माना कि x बराबर 2.47 पर रेकरिंग है सर। तो आपको रेकरिंग के मतलब समझिए गए होंगे, पी बटा क्यू के बारे में समझिए होंगे, अब समझना किसके बारे में, तो ये दशमलव है, दशमलव को कुछ ना करना है, एकदम सिंपल लफ्ज में देखिए ना कैसे हम हटाते ही दशमलव को, आप खाली ध्यान से समझाते रहिएगा दोस्तों, समझिए। आपको एक क्वेश्चन और उठा होगा दिमाग में, माइंड में से, यहाँ सर एक्स क्यों माने हैं आप, वाई भी तो मान सकते थे, जेड भी तो मान सकते थे, आप एक्स ही क्यों माने, तो सर आप मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो सर आप एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, इससे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ये तो एक चर राशि है, आप रख सकते हैं सर, रख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए सर, अब क्या करना है, माना कि x बराबर 2.47 पर रेकरिंग है, इसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको ना सबसे पहले समीकरण एक में ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब इसको ना दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ता है पता है दोस्तों, 100 से गुना करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, चूँकि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मजा तो अब आएगा सर, अब आएगा। आप ये नहीं समझिएगा तुरंत, आप दोस्त बोलते हैं तुरंत सर बोलते हैं, ये मेरा आदत है सर, आदत है। आप दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो यहाँ लिखिए सर, यदि हम x में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सर, तो आप बोलिएगा 100x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है सो ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम सर कैसे गुना करें, दो है, दशमलव है, चार पर, चार सात पर रेकरिंग है, तो यहाँ हम गुना कैसे करें, हमको तो माइंड काम नहीं कर रहा है सर, तो करना कुछ नहीं है सर, ध्यान से समझिएगा। ये दो जो है ना, दो अकेले है, मतलब ना बड़का गो महल है, सबसे बड़का गो महल है, आओ में एक वो भाई है जो दो है, भाई तीनों है सर, भाई दो चार सात तीनों अपने भाई है,
लेकिन सबसे छोटका भाई जो है ये मोहल्ला में रहता है, आई जो 4 और 7 है ये लंदन रहता है, लंदन। एगो बात और है सर, हंसिएगा नहीं सर, ये 4 और 7 को ना शादी भेल है, अब एकरा करने के लिए बचा हुआ है, तो ये बेचैन है सर। ये बोलता है भैया आप जल्दी घर पर आइए, मतलब महल में आइए, और हमको शादी करने का मन है, तो शादी करने का मन है तो शादी देखिए। तो भाई क्या बोला, ठीक है भाई आ रहे हैं। तो भाई बोला 2 से 3 दिन के अंदर में आएंगे, मतलब टिकट कटाएगा तो 3-4 दिन लग में ना जाएगा लंदन से आने में, लंदन से आना है बिहार में, तो कितना दिन लगेगा आपको पतो है, पता कर लीजिएगा सर। तो जब जो एकर ये दोनों जो भाई है ना वो गया ट्रेन, तो टिकट वाला को बोला भैया टिकट काट दीजिए बिहार के, बिहार जाना है, बिहार में महुआ, मतलब महुआ एक सिटी है, महुआ जाना है, मतलब बिहार के टिकट काटना है। तो बिहार के टिकट कटवाने गया, तो वहाँ टिकट मालिक ने बोला आपका बोगी नंबर 100 है सर, 100। यहाँ एक बात छुपा हुआ है सर, आप धरिएगा इस बात को। तो उस टिकट मालिक ने बोला किससे, तो ये दोनों भैया से आपका बोगी नंबर 100 है, तो 100 से क्या करना है सर, तो 100 से गुना करना है, यही बात है सर, यही बात 100 से गुना करना है। तो यदि 100 से 2-4-7 में यदि गुना करते हैं, मतलब 2-4-7 में, तो आ जाएगा कितना सर पता है, 247 सर, 247। कितना आएगा सर, 247। और उसके बाद दशमलव, दशमलव के बाद क्या है सर, तो दशमलव के साथ दशमलव के बाद ऊपर क्या है सर, तो आप बोलेगा रेकरिंग है, तो रेकरिंग कुत्ता वाला याद बात कीजिए सर, कुत्ता वाला बात, एक दिन रोटी खिया दिए हैं तो बिहान होकर वह करेगा, तो आप कोई ज़रूरी ना है, यहाँ लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं .. अनंत तक लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं सर, आगे पढ़ाते हैं। सबसे पहले इसको आप समीकरण फर्स्ट माने थे ना सर, समीकरण फर्स्ट, समीकरण इसको आप फर्स्ट माने थे, आप इसको क्या मानिए सर, आप इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए, आपको खूब मजा आता होगा, आप ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है सर, अब करना कुछ नहीं है, समीकरण सेकेंड में से ना समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाना है सर, ध्यान दीजिएगा, खूब मजा आएगा सर समझने में। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण, चूँकि चूँकि समीकरण सेकेंड में से, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है सर, किसको घटाना है, तो फर्स्ट को घटाना है, तो फर्स्ट को घटाना है सर, सर सर ध्यान दीजिए सर, बन जाएगा सर, बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है आप सोचिएगा सर, आपको माइंड में तो पक्का चलता होगा बात, इसके बाद करना क्या है, तो देखिए करण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है सर, किसको घटाना है, तो फर्स्ट को घटाना है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। आप बोलिएगा समीकरण सेकेंड है किधर, तो समीकरण सेकेंड इधर है सर, कुछ ना देखिए ना दहिना साइड हुआ है बगल में, देखिए कुछ ना करना है, समीकरण सेकेंड है तो समीकरण सेकेंड को जस्ट नीचे उतारना है सर, क्या करना है, जस्ट नीचे उतारना है, तो देखिए कुछ ना करना है, 100x बराबर में क्या है 247.0, और रेकरिंग के मतलब कुत्ता वाला बात याद होगा आपको, याद है कि ना कुत्ता वाला बात, तो याद कर ले रहिए, भोर ना पड़िएगा सर। देखिए अब क्या है, समीकरण सेकेंड को तो लिख दिए सर, लेकिन बच्चा है फर्स्ट ना, फर्स्ट को भी लिखना है, लेकिन फर्स्ट है किधर सर, तो यह है, ध्यान से खाली समझिए सर, समझिए समझिए, एक मिनट में सर क्वेश्चन बनेगा, समझिए करना कुछ ना है। आप बोलिएगा समीकरण फर्स्ट किधर है सर, फर्स्ट किधर है, तो समीकरण फर्स्ट यह है सर, यह है, ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा, समीकरण फर्स्ट में क्या है सर, तो पहला बार में 1 है सर, बराबर है, उसके बाद क्या है सर, 2 है, 2 है, 2 है सर, उसके बाद दशमलव है सर, उसके बाद क्या है सर, है सर 4-7 है, तो जस्ट लिख दीजिए सर, जस्ट
लिख दीजिए। अब करना कुछ नहीं है सर, आंसर आ चुका है सर, अब करना कुछ नहीं है। देखिए सर, घटाना है ना, घटाने के लिए बोला है सर, देखिए यहाँ घटाने के लिए बोला है। यहाँ पर माइनस कर दीजिए सर, यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए। देखिए आपके पास 100 रुपया है सर, 100 रुपया है, 1 रुपया खत्म हो गया, बच गया 99 रुपया सर, 99 रुपया। तो एक्स बचा हुआ सर, ये वाला एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 99x सर, 99x। बराबर सर, बराबर 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 के बाद क्या है सर, 247 रुपया है आपके पास, 247 रुपया है आपके पास। और नीचे है सर 2 रुपया, 2 रुपया घटाने तक क्या बचेगा सर, 245 रुपया बचेगा सर, 245 रुपया बचेगा सर, 245 रुपया बचेगा सर। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद कुछ नहीं करना है, दशमलव लगाना है। 4 रुपया आपके पास है, 4 रुपया है पास में आपको, 4 रुपया। और नीचे वाला में कितना है, 4 रुपया है, तो 4 में से 4 गया तो 0 0। कहाँ ध्यान है सर, कहाँ ध्यान है, 0 0 0। देखिए सर, 0 0 कैसे आया सर, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, और 7 में से 7 गया तो 0 सर। समझ में आया सर, अब करना कुछ नहीं है सर। आइए अब इधर समझाते हैं सर, इधर समझाते हैं। अब x का मान निकालना है सर, x का देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। x के मान निकालना है सर, x के मान निकालना है सर, तो लिखिए सर x बराबर, x के राइट साइड क्या है सर, तो आप बोलिएगा 245 है सर, 245। तो ये लिख दीजिए ना 245, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं सर, 245। अब बट्टा में 99 कौन वाला 99, तो एक्स के जो बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है, वो वाला 99 सर। यह देखिए सर, यह है, यह छुपल है, नीचे नीचे छुपल है सर, तो 99 लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए। अब देखिए सर, ये अंक कटने वाला है तो काट सकते हैं सर, हमरा अंदाज से सर ये नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा, नहीं कटा, नहीं कटेगा। तो अब करना क्या है सर, याद कीजिए ये वाला बात याद कीजिए। आपको बोला था पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए, पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए बोले थे सर। तो ये क्या है, ये 245 को मान लीजिए पे, और ये क्यू है सर, ये वाला क्यू नीचे, तो आ गया सर पी बटा क्यू के रूप में। क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर, अब ध्यान से समझिएगा सर, अब तो करना कुछ नहीं है, ये आपका आंसर रह गया है सर। आपको मन में एक क्वेश्चन और उठता होगा, क्या सर आर बटा जेड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, जो उस टाइम शुरू होने से पहले बोले थे सर, शुरू होने के बाद बोले थे से आप वाई बटा एक्स बटा वाई के रूप में लिख सकते हैं, ए बटा जेड के रूप में से लिख सकते हैं, आप मतलब चर, जो चर राशि है ना वही लिख सकते हैं, अचर नहीं लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर सर, ये आपका आंसर रहा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा सर। धन्यवाद।